अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? अभी आपने मेरी गोल्ड फिशेज देखी हैं तो काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड फिश में मेल और फीमेल को हम कैसे पहचानें। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इवन जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें भी थोड़े से मसाइल आ जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें हम पहचान सकते हैं कि गोल्ड फिश कैसी मेल है या फीमेल। तो सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। मेल की जो वेंट होती है जहाँ से वो पोटी करती है, वो जो मेल की वेंट होती है दैट इज़ अ वी शेप। मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ, ये देखिएगा, तो दैट इज़ अ वी शेप। और जो फीमेल होती है उसकी समवट वो राउंडर सी होती है, गोल सी होती है, राउंड ओवल शेप की होती है। और उसके अलावा मेल में जो उसकी बॉडी होती है वो थोड़ी सी थिनर टाइप की होती है और लंबी टाइप की होती है। इसके बरक्स जो फीमेल होती है उसकी बॉडी आपकी थोड़ी सी मोटी होती है, राउंडर होती है, गोल होती है एज कम्पेयर टू मेल। इस तरीके से ये वैसे बाज़ अवकात अगर खाना शाना खाया हुआ मेल भी थोड़ा सा फूला होता है, क्योंकि गोल्ड फिश लव्स फूड एंड दैट्स व्हाई। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आइडिया हम कर सकते हैं वेंट वाला, थोड़ा सा बेहतर तरीका। एक जो सबसे एक्सपर्ट जो तरीका है वो ये है कि जो ब्रीडिंग सीजन में, जब स्प्रिंग सीजन आता है, जो गोल्ड फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें मेल के गिल्स के इर्द गिर्द, ये जिस तरह फोटो में मैं दिखा रहा हूँ, मेल्स के इर्द गिर्द आपकी वाइट कलर की लाइन्स आ जाती हैं। अगर मेल ब्लैक कलर में है, जिस तरह ब्लैक में ब्लूर हो गया, या फिर दूसरा भी और कलर में ब्लैक और अंडाज हो गए, उसमें उसके गिल्स के पास पास वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। उसको वाइट स्पॉट डिजीज से नहीं आपने कंपेयर करना, उसके वो ब्रीडिंग जो बर्कल्स हम उसको कहते हैं, वाइट कलर के डॉट्स से आ जाते हैं। इसी तरह उसके जो फ्रंट वाले फिन्स होते हैं, जो फ्रंट वाले बाजू होते हैं, उसके ऊपर भी वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं और कांटे टाइप के बने होते हैं, वो भी वाइट कलर के हो जाते हैं इन द ब्रीडिंग सीजन। विदाउट ब्रीडिंग सीजन, अगर नॉर्मल सीजन चल रहा है, तो उसमें आपके वो वाइट स्पॉट्स नज़र नहीं आएंगे। ये एक निशानी बहुत अच्छी होती है, ब्रीडिंग सीजन में बहुत आसानी से पता लग जाता है, ख़ासकर अगर मेल ब्लैक हो तो बहुत ईजिली आपको नज़र आ जाता है। बाकी कलर्स में भी आता है लेकिन ज़रा कम आता है, और ये निशानी होती है कि हमारा मेल ब्रीडिंग के लिए रेडी हो चुका है। फीमेल में कोई वाइट स्पॉट्स वगैरह, वाइट जो ट्यूबरकल्स हैं, स्पॉट्स नहीं, सॉरी, जो तो डिजीज है, जो ट्यूबरकल्स हैं वो नज़र आएंगे। और फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो हैबिट होती है, या फिर बिहेवियर हम इसको कहेंगे, कि ब्रीडिंग सीजन में जो मेल है वो फीमेल के पीछे पीछे भागेगा, वो चेज करेगा उसको, इस तरीके से उसके पीछे पीछे भागेगा, उसको चेज करेगा। तो ये तो कन्फर्म निशानी होती है कि फीमेल एग लेन पे आ चुकी है और मेल मेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हमने बुलिंग से कंपेयर नहीं करना, बाजू का बुलिंग भी हो जाती है तो वो मेल मेल के पीछे लगा हुआ होता है। या फिर एक पांचवें नंबर पे जो निशानी होती है, आप मेल को दबाएंगे हल्का सा उसकी वेंट वाली जगह से, तो उसके स्पर्म्स रिलीज होंगे, वाइट कलर कलर के स्पर्म्स रिलीज होंगे। और फीमेल होगी, अगर वो अंडों पे आ चुकी है अंडे, तो उसके अंडे निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर अंडों पे नहीं है तो नो स्पर्म, देयर इज नो स्पर्म इन फीमेल्स, ऑब्वियस बात है। तो ये भी एक निशानी होती है कि आप जब उसकी वेंट को थोड़ा सा दबाएंगे तो उसके स्पर्म्स रिलीज होंगे और जो फीमेल होगी उसके एग्स रिलीज होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।